और चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरें विस्तार से देखते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मेरठ से बता देते हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखें। आपको बता दें, हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदलकर अतुल प्रधान को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव का टिकट कटने से अब वे नाराज नजर आ रखे हैं। सपा ने दूसरी बार मेरठ में प्रत्याशी बदल दिया है और सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया है, और यही कारण है कि अब अतुल प्रधान नाराज नजर आ रखे हैं। पहले टिकट बदलकर अतुल प्रधान को दिया गया और अब अतुल प्रधान का टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है, जिससे अतुल प्रधान नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपेश, अतुल प्रधान नाराज है। और अजय का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से अतुल प्रधान नाराज बताए जा रहे हैं, अगला उनका कदम क्या होगा ये तो देखना ही होगा। पर कहीं ये ना हो कि जिस तरीके से सपा अपनी रीत को फॉलो कर रही है, बार बार प्रत्याशी बदल रही है, इससे सीधा खामियाजा उसे चुनावों में गतना पड़ जाए। निश्चित ही सपा ने भानुमति के कलह का पिटारा खोल रखा है। पहले राउंड के नामांकन का अंत होता है मुरादाबाद, रामपुर, बवाल और अब मेरठ में दस्तक हो गई है। तीसरी बार उम्मीदवार बदला है, पहले भानु को दिया, अब दिया अतुल प्रधान को, और अब तीसरा एक महिला है उनको दे रहे हैं। आपको बताते चले कि अतुल प्रधान बहुत नाराज है। इस समय कलह की स्थिति समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है। इससे पहले पिछले मेयरों के चुनाव में जब अतुल प्रधान की पत्नी को उतारा गया था, तब मुस्लिम विधायक जो है मेरठ के सपा के, उन्होंने विरोध किया था। अब बेहद ज्यादा इस बात को ईगो पे ले लिया अतुल प्रधान ने और स्पष्ट कर दिया है कि अगर टिकट कटता है, अगर कोई और नामांकन करता है, जिन महिला को नामांकन करने के लिए दिया गया है वो आज दिन में 12 बजे नामांकन करने जा रही हैं, ऐसी स्थिति में वो पार्टी छोड़ सकते हैं। विधायक का जो उनका पद है उसे उसके भी त्यागपत्र वो दे सकते हैं। तो स्थिति भानुमति के कलह का जो पिटारा समाजवादी पार्टी ने बार बार लेकिन अजय, एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। उधर रफीक अंसारी विरोध कर रखे हैं, उन्होंने नॉमिनेशन जो पत्र है वो खरीद लिया है, दाखिल करेंगे नहीं करेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ये जो बार बार टिकट समाजवादी पार्टी बदल रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या दिखाई दे रही है? हार का डर या फिर कोई और कारण? देखिए, इस पर जब नेताओं को घेर रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ऐसी परंपरा समाजवादी पार्टी में रही है। बात आगे बढ़ती है, चीजें बदलती है, परंपरा रही है, लेकिन अभी की स्थिति में यह दिखाई दे रहा है कि यह क्लियरली लैक ऑफ डिसीजन टेकिंग है। ये इसमें संभावनाएं जो है निर्णय लेने के क्षमता के अभाव का है। किसी नेता को दे दिया तो अब दबाव में पीछे हट जाते हैं। जैसे जब अतुल प्रधान को दिया गया मेयर के टिकट, मेयर के चुनाव के समय लोकल विधायकों ने विरोध किया तो फिर उसको लेकर दबाव देखने को मिला। तो यहां पर ना केवल मेरठ तक सीमित है ये बात, जैसे जैसे फेज वाइज चुनाव ईस्ट की तरफ बढ़ेगा लगातार सीटें बदलती रहेंगी। लखनऊ में जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो भी प्रचार करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। अब तो समाजवादी पार्टी जिसे भी अपना प्रत्याशी बना रही है वो कोई खुशी की लहर नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं जन पा रहा है लोगों को। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी भी यहां पर साफ सीधे तौर पर अजय देखी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगे सपा को इसका किस तरीके का रिजल्ट समाजवादी पार्टी के लिए देखने को मिलता है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको यह बता दें कि कांग्रेस को भी अब एक और बड़ा झटका लग गया है। दरअसल गौरव वल्लभ ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस्तीफा देते हुए उन्होंने बकायदा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है, मैं दुखी हूं, मेरा मन व्यथित है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या-क्या कहूं, लेकिन सीधे तौर पर जो उन्होंने बात की और जिक्र किया अपने पत्र के जरिए और जो कारण उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया, उन्होंने सीधे कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। जिस तरीके से सनातन विरोधी एजेंडे पर इंडी गठबंधन काम कर रहा है उसको लेकर वो बेहद नाराज नजर आए। और इस वक्त हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, गौरव वल्लभ जो लगातार कांग्रेस को डिफेंड करते रहे हैं, लगातार कांग्रेस की बातों को जनता तक पहुंचाते रहे हैं, उनके इस तरह से पत्र जारी करके इस्तीफा देने के बाद क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल दीपेश, आपने देखा कि गौरव वल्लभ ने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर लिखा और लेटर लिख करके अपने इस्तीफा की बात कही, और साथ ही उन्होंने जो सोशल मीडिया अकाउंट पे भी इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि मुझे काफ़ी दुख है, और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस में व्यवहार किया जा रहा है और कांग्रेस जिस तरीके से सनातन का लगातार विरोध कर रही है उसको वो नहीं कर सकते, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो देश के वेल्थ क्रिएटर हैं उनको सुबह शाम वो गाली नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मेरे मन में कई सवाल, मेरे मन में कई सारी बातें हैं, मैं उनको उजागर नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं ये कहने को इजाजत नहीं देती, लेकिन उन्होंने
ये जाहिर किया है कि जो सनातन को लेकर के कांग्रेस के विरोधाभास जो परंपराएं हैं उसको लेकर के वो काफ़ी दुखी थे, जिसके कारण उन्होंने ये इस्तीफा दिया और लगातार ही कांग्रेस को बड़े झटके मिलते जा रहे हैं। और आपने देखा कि गौरव वल्लभ ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, उन्होंने जो सारे पद थे कांग्रेस के वहाँ से वो इस्तीफा देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस्तीफे के बाद भी अब लगातार प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के दिए गए बयान के बाद आ रही प्रतिक्रियाओं की। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी रणदीप सुरजेवाला के इस बयान की न सिर्फ निंदा कर रही है बल्कि इस पर सवाल भी खड़े कर रही है। जानकारी दें, अमित मालवीय बीजेपी के नेता के जिन्होंने हमला किया है, कहा हेमा मालिनी पर सुरजेवाला की घृणित टिप्पणी है, लैंगिक टिप्पणी है, ये हेमा मालिनी नहीं महिलाओं का अपमान है। बीजेपी का ये कहना है ये राहुल गांधी की कांग्रेस का महिलाओं से नफरत करती है ये कांग्रेस और यही कारण है कि इस तरह की बयानबाजी होती है, ये अमित मालवीय कह रखे हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमहमाल नहीं तो एनी जो के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमहमाल नहीं तो एनी जो के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमहमाल नहीं तो एनी जो के लिए बनाते हो। तो सुना आपने रणदीप सुरजेवाला का क्या कुछ कहना है। रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर मोहब्बत की दुकान में किस तरीके से बेशर्मी की दुकान लगाई, एक महिला का अपमान करना, नारी का सम्मान ना करना, विरोध करना, राजनीति में विरोध जायज सी बात है, तीखा टिप्पणी भी जायज सी बात है, लेकिन अगर तीखा टिप्पणी के का जो स्तर है वो अगर इस तरह का हो जाए तो नेताओं के लिए क्या कहेंगे, जहां पर वो राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से विरोधी टिप्पणी की जा रही है ये आपके सामने। तो चलिए अब आपको कांग्रेस नेताओं के शर्मनाक बोल दिखा देते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कांग्रेस के नेता कब कब कैसे कैसे महिलाओं को लेकर और न सिर्फ महिलाओं को लेकर बल्कि देश में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, शर्मनाक बोल उनके देखने और सुनने को मिलते हैं, वो आपको बता रखे हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता कहे सांसद विधायक विकास के लिए चुनते हैं न कि उन्होंने आगे क्या कहा आपने सुना कह। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेत्री है वो क्या कह रही है, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा, ये इस तरह की भाषा शैली है जिसके बाद पूरा देश कहीं ना कहीं शर्मसार महसूस कर रहा है। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कह रखे हैं, पीएम मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, जो संसद जाए वो पीएम का सिर फोड़ दे, इस तरह की बयानबाजी।